हाय गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकैस्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। अगर आप टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर आप टेलको के लिए आए हो तो जो पहली अपडेट है वो काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये आती है BSNL की तरफ से। क्योंकि BSNL के जो कोर यूजर्स हैं ज्यादातर रूरल एरियाज से आते हैं, तो वहां पे क्या है कि उन्होंने ये स्टडी करी कि अभी भी फीचर फोन्स बहुत ज्यादा चलते हैं। तो अब कंपनी ने एक नई पार्टनरशिप या फिर एक नई सर्विस अनाउंस करी है। बेसिकली सीन क्या है कि BSNL ने कार्बन मोबाइल्स के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, एंड अब कंपटीशन मिलने वाला है जियो को, क्योंकि जियो के जो जियो फोन्स आते हैं उसके टक्कर में कार्बन के साथ में BSNL अपने सिम लॉक्ड वाले जो फोन्स हैं वो फीचर फोन्स यहां पे लॉन्च कर रहे हैं। एंड ये वाले जो हैंडसेट्स हैं ना ये 4G वाले होंगे। तो बेसिकली BSNL हमको ये बताना चाहता है कि BSNL के 4G आने के बाद हमको महंगे हैंडसेट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि जियो फोन वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके BSNL मार्केट में डीप डिग करने वाला है। ऑल्सो BSNL बहुत ही तेजी से चल रही है ट्रैक पे, क्योंकि अब इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि ये AI या फिर ML सॉल्यूशंस को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे स्पैम डिटेक्शन हो पाए। रिसेंटली एयरटेल ने अपना लॉन्च किया था, हजारों कॉल्स, हजारों मैसेजेस, लाखों मैसेजेस ये ट्रैक करके सस्पेक्टेड स्कैम की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसी तरीके से BSNL भी अपने बैकएंड पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिससे BSNL के यूजर्स को पता चल जाए कि उनके पास जो कॉल आ रहा है वो जेन्युइन है या फिर एक सस्पेक्टेड स्पैम। एक बात है भाई, लेकिन BSNL अपने फुल कॉन्फिडेंस में चल रहा है। अगली अपडेट वी की तरफ से आ रही है, एंड वी ने अब यहां पे गेमिंग कॉम्पिटिशन रखा है। सिर्फ वी के यूजर्स नहीं बल्कि कोई भी यूजर आके इस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे काफी सारे मजेदार टाइटल्स हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर मैन, क्लैश रॉयल एक्सेट्रा। इस टूर्नामेंट का नाम है वी गेम टू फेम, एंड क्योंकि इंडिया वन ऑफ द टॉप मार्केट्स है गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे ये बहुत एक अट्रैक्टिव इवेंट हो सकता है सारे ही यूजर्स के लिए। आपको पता है वर्ल्ड का जितना गेम्स डाउनलोड होता है उसमें से 20% अकेला इंडिया भागीदार है। यहाँ पे नो डाउट बहुत गेमिंग चलती है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टूर्नामेंट का जो ग्रैंड फिनाले है ये शोकेस होगा इंडिया मोबाइल 2024 टेक फेस्ट में, जो कि अक्टूबर 15 से 18 को होने वाला है। अगर आप चाहते हो मां की कवरेज भी अपने चैनल पे एक ब्लॉग स्टाइल में लेके आए तो कमेंट करके बताना। एंड एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूं हमारे goskinly.com पे, जहां पे हम फोन, लैपटॉप, आईपैड, PS5, सारे कॉन्सोल्स, ड्रोन्स के भी सारे स्किन अवेलेबल हैं। बहुत सारे डिजाइन हमने रिसेंटली अपलोड किए, एंड क्लियरेंस सेल में हमने कुछ 10-15 डिजाइन आज न्यू एड करे, तो इनकेस यू वॉन्ट टू चेकआउट आप चेकआउट कर सकते हो। मैट फिनिश, 3D फिनिश सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस पे, तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। एंड प्रोमो कोड भी लग जाएगा skinly200 अगर आप कोई भी दो स्किन्स लेते हैं हमारे स्टोर से, तो डू चेकआउट। अगली अपडेट जियो की तरफ से, एंड जियो ने अपने 1029 वाले प्लान को अपग्रेड कर दिया है। छोटी मोटी चेंजिंग है, अगर आप सुनना चाहोगे चलो बता देते हैं। तो अपग्रेड ये है कि 56 दिन का जो Amazon Prime उसके अंदर मिलता था वो अब अपग्रेड होकर के 84 डेज का Amazon Prime Lite कर दिया है। अब जो Prime Lite है वो बेसिकली दो डिवाइसेस पे चल जाता है, मोबाइल एंड टीवी, बाकी सब वही है। 84 दिन की वैलिडिटी, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। चलता है क्या वैसे 5G सही जियो का? नहीं, इंडोर्स में तो हालत बहुत खराब है भाई। अगली अपडेट एक्साइटल की तरफ से है, एंड इन्होंने 3 महीने का एब्सोल्यूट फ्री इंटरनेट घोषित कर दिया है विद दो छोटे छोटे स्टार्स। स्टार्स ये हैं कि ₹500 पर मंथ वाला प्लान लेना पड़ेगा आपको 9 महीने का एडवांस में, तब जाके 3 महीने जो नेक्स्ट वाले होंगे वो आपको फ्री मिल जाएंगे। मार्केटिंग स्कीम ही समझ लो इसको भी। ये प्लान सिर्फ 300 Mbps वाले कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पे 18 OTTs एंड अराउंड 150 लाइव टीवी चैनल भी मिलते हैं जो कि FTA वाले होते हैं। लेकिन मार्केटिंग स्कीम को समझें तो ₹4500 देने के बाद कुछ फ्री कैसे हो सकता है? समझ में आया हो तो कमेंट। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है, एंड भाई BSNL जब करेगा तब करेगा। एयरटेल ने तो ऑलरेडी स्पैम डिटेक्शन सर्विस अपनी ऑन कर दी है। मैं एयरटेल का प्राइमरी यूजर हूं, इस टाइम पे प्राइमरी नंबर एयरटेल चल रहा है मेरा। ऑलमोस्ट दिन में 7 से 8 कॉल्स या 10 कॉल भी किसी किसी दिन हो जा रहे हैं जो सस्पेक्टेड स्पैम वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी है भाई, उसको बिना सुने बिना समझे ही उसको मैं कट कर देता हूं, चेक करने के लिए कि कहीं कोई जेन्युइन कॉल तो नहीं है, एंड मैं उसको स्पैम डिटेक्ट करके काट दे रहा हूं। मैंने 2-3 कॉल्स पिक भी करके देखे, बट सही डिटेक्शन हो रहा है एज पर माय एक्सपीरियंस। एक चीज और, ट्राई ने प्रमोशनल जो मैसेजेस हैं उनके लिए एक अलग नंबरिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दी है। बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब के कोई भी कॉल मैसेजेस आएंगे तो स्टार्टिंग में 160 होगा और मार्केटिंग वाले कॉल से पहले 140। एयरटेल ने अपने सारे यूजर्स को SMS वगैरह भी भेज रहा है कि कोई गलत वगैरह लिंक पे क्लिक मत करना, अगर आप एयरटेल यूजर हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। अब टेक पे चलते हैं, तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से, एंड व्हाट्सएप ने यहां पे अपने स्टेटस को इंस्टाग्राम बनाता जा रहा है, आपको पता ही है। अब ये रिवील किया है व्हाट्सएप ने कि अगर आपने कोई स्टेटस लगाया, किसी ने उसको लाइक किया,
तो पूरी जनता को कहीं को किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने आपका स्टेटस लाइक किया है, सिर्फ आपको ही पता चलेगा कि किस किस ने आपका स्टेटस लाइक किया है। तो ये एविडेंट था, फिर भी व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया, और ज्यादा क्लैरिफाई करना चाह रहा था शायद व्हाट्सएप इसको। इंस्टाग्राम के साथ वही बात हो गई, सेम सेम बट डिफरेंट। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम से मैचिंग इन्होंने ये कर दी कि अब लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में भी एक दूसरे को मेंशन कर पाएंगे जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। मतलब अगर मैंने स्टेटस लगाया, किसी को मैंने टैग कर दिया, मेंशन कर दिया, फिर वो उसको रीशेयर कर पाएगा अपने स्टेटस पे, और फिर मुझे दिख जाएगा कि भाई मुझे मेरा स्टेटस रीशेयर हुआ है। तो इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम, ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगली अपडेट गूगल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ना वेबसाइट्स को मार्क करने में लगे हुए हैं, ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हर वेबसाइट को गूगल अपनी तरफ से एक वेरिफिकेशन दे दे कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या फिर स्पैम है या फिर फेक है। इससे यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि भाई इस वेबसाइट पर ट्रांजैक्ट करना बहुत खतरे वाली चीज़ हो सकती है या फिर गड़बड़ हो सकती है। वेरिफाइड वेबसाइट्स अलग ही कंज्यूमर्स के आंख में झलक जाएगी जब उस पर किसी तरीके का एक ब्लू टिक या गूगल का एक अपना कोई क्रोम एक्सटेंशन टाइप का कुछ तो बना सकते हैं वो, जिससे एक वेरिफिकेशन वाली चीज आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस जिस वेबसाइट को वो अलॉट कर दें वहां पर एक अलग ही एक लोगो वगैरह कुछ बन के आ जाए जो मार्क करे कि ये वेरिफाइड है। लेकिन एट द सेम टाइम फेक वेबसाइट जब फ्लिपकार्ट अमेजन की कॉपी कर सकती है तो फिर एक ये वेरिफिकेशन बैच भी वो लगा ही सकते हैं। ये ट्रिकी होगा देखना कि गूगल इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है। बेसिकली इस काम के पीछे सोच ये है कि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स, क्लोन वेबसाइट्स बन जाती हैं अलग अलग पोर्टल्स की, एंड देन वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पैसे ठग लिए जाते हैं लोगों से, एंड देन वो वेबसाइट फिर वो बंद कर दी जाती है कुछ टाइम के बाद, एक सर्टेन अमाउंट फ्रॉड करने के बाद। तो कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया इस बार गूगल ने, शायद इस बार कुछ बेहतर हो पाए आम जनता के लिए। अगली अपडेट यूट्यूब की तरफ से है, एंड यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आप देखते हो अभी तक 60 सेकंड के आते हैं, वो इंक्रीज होके 3 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। इंस्टाग्राम 1.5 मिनट पे खत्म हो गया था, एंड अब ये 3 मिनट का मतलब उससे भी डबल लेंथ लेके जा रहे हैं। तो अब आप वर्टिकल के अंदर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखना उम्मीद करना स्टार्ट कर दो, एंड मैंने भी उसके ऊपर कुछ कुछ तैयारी करनी स्टार्ट कर दी अभी से ही। बहुत जल्दी शायद 15 अक्टूबर से ही ये फीचर लॉन्च होने वाला है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, एंड हमें नीचे कमेंट्स करके बताना कि भाई हम किस तरीके का कॉन्टेंट आप उसमें देखना पसंद करोगे अगर वर्टिकल में, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में अगर जाते हैं तो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर लेंथ बड़ी होती जा रही है तो फिर शॉर्ट्स कैसे हुआ, ये नाम लॉन्ग कर दो ना। बात तो सही है। ऑल्सो YouTube वीडियोस को शॉर्ट्स में मिक्स करने का फीचर दे रहे हैं, अलग अलग क्लिप्स काटने का फंक्शन दे रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं ये YouTube बताएगा क्रिएटर्स को कि भाई आप किस चीजों के अराउंड में कंटेंट बना सकते हो। ऑडियो जो ट्रेंडिंग है उनको भी यूज करके वीडियोस बना सकते हो जस्ट लाइक रील्स, एंड बस यही कुछ है YouTube की तरफ से इस हफ्ते। अगली अपडेट ChatGPT की तरफ से है, एंड ChatGPT में कुछ नया ही फीचर निकल के आया जिसका नाम है कैनवस इंटरफेस। इसमें बेसिकली जो AI है एंड ह्यूमन है ये मिल के साथ में प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। बेसिकली बताया ऐसा जा रहा है कि एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, वहां पे यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है उसको एडिट कर पाएंगे या फिर आप AI टूल्स को यूज करके भी चेंज कर सकते हो। इसमें ये भी हो सकता है कि AI ना हमारे बनाए हुए कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करे, चेंजेस करे, एक साथ मिलके कोलैबोरेशन, इसी को बोला जा रहा है। मुझे जहां तक समझ में आया है ये कोडिंग और क्रिएटिव राइटिंग वाले एस्पेक्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छा उसका आउटपुट निकल के आ सकता है। आपको क्या क्या और यूज केसेस ऐसे लग रहे हैं जिसमें AI और ह्यूमन साथ मिलके अच्छी चीज बना सकते हैं, वो आप मुझे बताओ कमेंट करके। बाकी सब लोग पढ़ेंगे आपके कमेंट्स, मोस्ट लाइक कमेंट को एक सरप्राइज गिफ्ट मेरी तरफ से। एंड फाइनली जो आज की लास्ट अपडेट है वो है Gemini की तरफ से। Gemini अब लाइव हो चुका है सारे ही एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर। ये फीचर पहले एडवांस्ड यूजर या फिर प्रीमियम वालों के लिए ही था, लेकिन अब जनरली सबके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए ये फ्री है, लेकिन अराउंड 10 ऐसी नई नई वॉइसेज हैं जो इस AI के लिए यूज की गई हैं, जो सिर्फ अभी भी प्रीमियम के लिए ही हैं, फ्री में नहीं मिलेगी। ऐप के बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको वेव फॉर्म के टाइप में एक फीचर मिल जाएगा, यहाँ पे बेसिकली 2-way चैट हो जाएगी। हालांकि ये इतना एडवांस नहीं है जितना ChatGPT का एडवांस्ड वॉइस मोड फीचर है, एंड जो इसका फुल स्क्रीन मोड होगा ना वो Gemini का एक काइंड ऑफ एक कह सकते हो एक वॉइस कॉल जैसे चल रहा होता है, कुछ कुछ उस तरीके का हमको देखने को मिलेगा। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स, आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कल हमने टीवीज के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च वीडियो डाली है, इनकेस अगर आप मार्केट में टीवी के लिए निकले हो तो जरूर से उसको पहले चेकआउट कर लेना, एंड भूलना मत स्किनली नीचे सारे डिटेल्स हैं, अगर आप चेकआउट करना चाहो स्किन्स तो जरूर से चेकआउट करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकारात्मक, सी या एंड गुड बाय।